आपने देखा होगा मेरी कार्यशैली बड़ी विशिष्ट है। मैं पूरे दिन भर व्यस्त था, यहां वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर रहा था, चूरू में मेरा भाषण करने चला गया था, चूरू पाकिस्तान की सीमा पर था, ये मेरा कार्यक्रम चलते रहते, उन्हीं दिनों में चलते थे। दूसरी तरफ मैं इन चीजों को, आई एम ए टीम प्लेयर, तो मैं अपने सारे काम करता रहता हूं, लेकिन मेरी टीम है जिसको जो काम मैं असाइन करता हूं वो करते रहते। आप लोग मानते नहीं, यानी मीडिया में ये चलाया जाता है मोदी तो अकेला चलता है, ठीक है, ये रिजल्ट जो है ना वो टीम के हैं, मोदी के नहीं है, मोदी तो कह करके जाता है, देखना। फिर मैं सारा वॉर मेमोरियल पूरा करके आया, करीब 9 बजे रिव्यू किया मैंने, 9:30 हो गए, रिव्यू किया तो था, फिर 12 बजे रिव्यू किया तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। मैं हैरान हूं अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यहां नहीं चलता है। तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं, तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है, मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हमें हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे क्या करें, देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है क्लाउड है जाइए, चल पड़े। तो 1:30 बजे हमने मूवमेंट शुरू की, करीब हमारा समय था कोई 2:55, दिमाग में था इस हिसाब से कि दैट इज द बेस्ट टाइम, कुछ सैटेलाइट की मूवमेंट भी ध्यान रखनी होती है कि हम उसमें भी ना आए हाथ लगे, तो ये सारे हिसाब किताब में कोई 2:55 बैठता था। हमारे लोग गए 3:20 को, मुझे रिपोर्ट आया साहब सब लोग ठीक ठाक हो गया है। अलग अलग स्टेशन से सबको जाना था। दूसरा तीन चीजें थी जिसकी तरफ, एक तो हम 3-4 दिन से उनका एक दूसरा स्थान है वो मीडिया में चला रहे थे पाकिस्तान का, और मीडिया में पाकिस्तान के लोग भी उस स्थान पे गए और नहीं ये तो कितना शांत है, यहां तो बच्चे पढ़ते हैं, ये सब उन्होंने दिखाया था पाकिस्तान ने। हम बार बार कहते थे कि हाँ ये सब गड़बड़ी यहीं से होता है। तो हमारा वन सेट ऑफ जहाज वहां गए तो पाकिस्तान ने मान लिया था ये तो यहां के लिए आए हैं, तो उनको ध्यान ही रहा कि हमें यहां जाना था। तीसरा हमने समुद्र में बड़ी मूवमेंट की, हमारे सारे समुद्री जहाज वगैरह, तो पाकिस्तान में आपको देखा होगा कराची में कई दिनों तक ब्लैकआउट रहा, कई दिनों ब्लैकआउट रहा, और उनको लगा कि अब हमला कराची पे होगा क्योंकि समुद्र की, तो ये मूवमेंट इतनी अलग अलग चल रही थी तो पाकिस्तान बड़ा कंफ्यूज था। हमारा देश का मीडिया भी, हम चाहते थे कि हमारी तरफ उसकी नजर न जाए, तो वो पाकिस्तान की खबरों पर वो लगा रहता था, तो हम ऑपरेशन करने में सफल हो गए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर, जब आपने पूरा ऑपरेशन किया था क्या पाकिस्तान करेगा, इसको कैलकुलेट किया था? क्योंकि मैंने ऑपरेशन नहीं किया, सॉरी सेना ने किया, ऑपरेशन जिनका जिम्मा है उन्होंने किया है, कुछ बुरा हो तो जिम्मेवारी मेरी है, वो मुझे लेनी चाहिए, कुछ अच्छा है तो क्रेडिट उनकी है, उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी के साथ खेलते हैं। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई एक पॉलिटिकल लीडर है जो दिन रात वीडियो गेम खेलता रहता है,
हम जानते हैं उसको, नाम नहीं बताते आपको, नाम भी बता दीजिए। तो ये ना जी, वो मेरा काम नहीं है, उनके सारे साथी जानते हैं। मैं उनको कभी पूछता हूँ क्या चल रहा है भाई नेताजी का, अरे साहब आजकल तो नई वीडियो गेम आई है, ऐसा बताते वो लोग। खैर वो उनका काम है, वो करते रहते हैं।